वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के बाद हंगामा मचा। इसी बीच दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इसमें दावा किया गया है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए जरूरी है कि खुदाई करके इन मूर्तियों को निकाला जाए। हिंदू महासभा ने ये मांग तब की है जब वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अलग अलग दावे हैं। ज्ञानवापी के मामले में जहां हिंदू पक्ष कह रहा है कि आकृति साफ साफ बता रही है कि ये शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऊपरी हिस्से की बनावट बता रही है कि ये फव्वारा है। हिंदू पक्ष तर्क दे रहा है कि ये एक पत्थर से बनी संरचना है और शिवलिंग ऐसे ही बनते हैं। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि ये अभी कैसे तय हो गया कि ये एक ही पत्थर से बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।